दोस्तों अभी कुछ दिन पहले यानी कि 5 सितंबर को पीएम मोदी ने सिंगापुर का दौरा किया और दोस्तों सिंगापुर के दौरे पर उन्होंने कहा कि भैया हम भी भारत में काफ़ी सारे सिंगापुर बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों सिंगापुर आज दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। हालांकि दोस्तों अगर इस देश के एरिया की बात करें तो ये केवल 719 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही इसके पास है, यानी कि दोस्तों भारत में लगभग 4,500 से ज़्यादा सिंगापुर बसाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना छोटा देश होने के बाद भी आज इस देश में लगभग 7,000 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती हैं। वहीं अगर दोस्तों भारत की बात की है तो भारत में लगभग 3,500 ही मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। लेकिन दोस्तों एक समय पर सिंगापुर एक ऐसा वीरान टापू था जहां पर कोई रहने को ही तैयार नहीं था। फिर कैसे पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से डेवलप हुआ कि ये दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन गया, दोस्तों जानेंगे पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो के लिए एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको भी ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोज लगातार मिलती रहें। दोस्तों सिंगापुर एक वीरान आइलैंड हुआ करता था। 6 शताब्दी के दौरान बौद्ध साम्राज्य के राजा श्रीविजय ने इस पर कब्जा कर लिया था, और दोस्तों उस समय पर इंडोनेशिया मलेशिया जितना भी ये एरिया हुआ करता था इसको तैमोसेक के नाम से जाना जाता था। लेकिन 11वीं सदी में भारत के चोल साम्राज्य के राजा राजेंद्र चोल ने चीन को जीतने की ठानी, और दोस्तों ये चीन को जीतने के लिए निकल चुके थे, लेकिन इन्होंने अपने साथ में भारत के ही कलिंग वंश के राजा सुलन को साथ में ले लिया, और ये दोनों ने ही फिर चीन के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन रास्ते में ही ये तैमोसेक पड़ता था, यानी कि जो भैया आज का इंडोनेशिया मलेशिया और सिंगापुर है, और वहाँ के राजा श्रीविजय हुआ करते थे। तो इन दोनों ने श्रीविजय को हरा दिया। अब श्रीविजय को जब हरा दिया तो इसकी सूचना चीन में बैठे हुए राजाओं को भी लग गई, तो भैया वो भी डरने लगे कि भैया ये दोनों कहीं चीन पर भी कब्जा ना कर लें। इसीलिए उन्होंने अपने गुप्तचरों के जरिए ये अफवाह फैला दी कि भैया चीन तो काफ़ी दूर है और इतनी दूर सेना को लेकर जाना असंभव है। इसलिए जो भारत के राजा थे उन्होंने फिर चीन पर कब्जा करने का जो प्लान था वो छोड़कर राजा जो राजेंद्र चोल थे वो तो वापस हिंदुस्तान चले गए, लेकिन जो उनके साथ राजा सुलन गए थे वो वहीं पर बस गए, और श्रीविजय की जो बेटी थी राजकुमारी उनसे उन्होंने शादी कर वो वहीं पर सेटल हो गए। साल 1299 में राजा सुलन के जो वंशज थे सांग नीला उतामा ये तैमोसेक द्वीप पर पहुंचे, और इन्होंने यहाँ पर एक शेर को देखा, और जब उसके बारे में इन्होंने वहाँ के लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया शेर जंगल का राजा होता है। और दोस्तों इसीलिए फिर जो राजा सुलन के वंशज थे उन्होंने इस द्वीप का नाम ही सिंगपुर रख दिया, यानी कि शेरों का नगर। अब दोस्तों दुनिया 15वीं सदी में एंट्री कर रही थी, और दोस्तों ये दौर ऐसा था जहाँ पर जितने भी यूरोपीय देश थे वो अपने सोने मसाले के कारोबार को करने के लिए अलग अलग देशों की खोज कर रहे थे। दोस्तों इसी दौरान पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में व्यापार को करने के लिए था मलक्का स्ट्रीट पर कब्जा कर लिया। अब दोस्तों मलक्का स्ट्रीट अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि चाहे किसी को अफ्रीका यूरोप या अमेरिका इन जैसे बड़े देशों से अगर कोई भी सामान चाइना पहुंचाना था तो भैया उसके लिए सबसे अच्छा समुद्री रास्ता था मलक्का स्ट्रीट, और दोस्तों पुर्तगालियों ने इस मलक्का स्ट्रीट पर ही कब्जा कर लिया ताकि भैया हमारा माल आसानी से आ जा सके और उसमें टाइम भी कम लगे। अब दोस्तों सिंगापुर को फ़ायदा ये हुआ कि मलक्का स्ट्रीट के काफ़ी नज़दीक था, जो कि आप इस मैप के जरिए भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए भैया पुर्तगालियों ने सिंगापुर जहाँ एक वीरान टापू था अब इस पर धीरे धीरे पोर्ट बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि भैया यहीं से अब ये अपना व्यापार करने लगे थे, और यहाँ पर यानी कि सारी सुविधाएं डेवलप करनी इन्होंने शुरू कर दी, और साथ ही साथ पुर्तगालियों ने अपना ठिकाना भी इसी को बना लिया जहाँ से ये दुनिया भर में व्यापार करने लगे। लेकिन दोस्तों 1603 में फिर डचों ने यानी कि आज के जो नीदरलैंड है उन्होंने पुर्तगालियों पर हमला कर दिया और उनसे इस पूरे राज्य को जीत लिया। अब नीदरलैंड ने मलक्का स्टेट के आसपास के एरिया को कब्जाने के बाद यहाँ पर पोर्ट बनाए ताकि भैया जो जहाज आते जाते हैं उनको रुकने के लिए सुविधाएं की, साथ ही साथ जो व्यापारी आते थे उनके ठहरने के लिए अच्छे खासे इंतजाम कर दिए। तो इस तरह से नीदरलैंड ने यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं लगाई। लेकिन दोस्तों सिंगापुर इस स्टेट से काफ़ी दूरी पर था और वहाँ पर अब भी राजा का शासन चला करता था, और दोस्तों 1600 का वो दौर ऐसा भी था जहाँ पर ज़्यादातर भारत और एशिया के जितने भी देश थे उन पर अंग्रेज़ों ने कब्जा जमाया हुआ था। अब भैया अंग्रेज़ों को भी ये मलक्का स्टेट वाला एरिया चाहिए था, अब डायरेक्ट वो नीदरलैंड से उलझ नहीं सकते थे, इसलिए भैया इन्होंने सिंगापुर के जो राजा थे उनके साथ करार करके सिंगापुर को अपने अधीन ले लिया, और दोस्तों फिर इन्होंने सिंगापुर में ही मलक्का स्ट्रीट जैसे पोर्ट बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि भैया जितने भी मलक्का स्ट्रीट पर सुख सुविधाएँ थी ऐसी ही सुख सुविधाएँ सेम सिंगापुर पोर्ट पर इन्होंने देनी शुरू कर दी। साथ ही साथ जो व्यापारी आते थे उनको भी अच्छे अच्छे ऑफर देने शुरू कर दिए, जिससे कि भैया लोग मलक्का स्ट्रीट से ना आकर सिंगापुर की तरफ से आएँ और उससे अंग्रेज और सिंगापुर दोनों को फायदा हो। तो दोस्तों ये वही सिंगापुर था जिसका भारतीय राजा के वंशज ने इसका नाम सिंगपुर यानी शेरों का नगर रखा था, बाद में चलकर इसका नाम सिंगापुर पड़ गया।
अब ये अंग्रेजों ने क्या किया कि जो सिंगापुर में इन्होंने पोर्ट बनाए थे जहाजों को रुकने के लिए, वहां पर इन्होंने जहाजों को रुकने के लिए टैक्स फ्री कर दिया। तो इस तरह से ज्यादा व्यापारी अब सिंगापुर के रास्ते होकर आने लगे, और वहां पर टैक्स फ्री होने से जब ज्यादा जहाज आते थे तो वहां पर फिर लोग भी धीरे धीरे बसना शुरू कर दिया। हालांकि उससे पहले तक ये एक वीरान टापू ही हुआ करता था, धीरे धीरे लोग बसना शुरू हो गए। भारत से लेकर चीन तक यहाँ पर काफी देशों के जो लोग थे वो बसने शुरू हो गए और वहां पर रहकर व्यापार करने लगे। अब यह 1819 में जहाँ इस टापू पर केवल 50 से 60 लोग ही रहा करते थे, अब 1850 के आते आते यहाँ पर 35,000 से ज्यादा लोग रहने लगे। अब यह जब इस टापू पर धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी तो इससे यहाँ पर क्राइम भी बढ़ने लगा। अब जितने भी जो व्यापारी थे वो यहाँ पर आते थे, यहाँ पर आकर काफी काफी दिनों तक रहते थे, नशा करते थे, जितने भी क्राइम थे वो यहाँ पर होने लगे, और जल्द ही ये अय्याशियों का एक अड्डा बन गया। अब यह 1869 यानी कि 1869 में स्वेज कैनाल खुल गया, और दोस्तों इससे दुनिया भर के व्यापारियों को फायदा ये हुआ। अब भैया जिनको भी चीन पहुंचना था अपना माल लेकर, वो पूरा अफ्रीका का चक्कर ना लगाकर सीधा मलक्का स्टेट से सिंगापुर होते हुए आसानी से जा सकते थे, और ये रास्ता काफी शॉर्ट था, इसीलिए जितने भी व्यापारी थे अब वो स्वेज कैनाल के होते हुए इस रूट को लेने लगे थे, जिससे सिंगापुर को काफी ज्यादा फायदा हुआ। और इससे फिर अंग्रेजों ने भी सिंगापुर पर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि भैया अब सिंगापुर से उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने शुरू हो चुके थे और अंग्रेजों को चाहिए था सिर्फ पैसा। अब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ चुकी थी, और उसका असर सिंगापुर पर भी पड़ा। और दोस्तों इसी दौरान फिर जापान ने सिंगापुर को कब्जाने के लिए इस पर हमला कर दिया, और जापान के केवल 30,000 सैनिकों ने अंग्रेजों के लगभग 1.5 लाख फौजियों को हराकर जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया, और इसका नाम बदल कर रख दिया सियोंटो। अब ये जापान के कब्जे में आ चुका था और जापान ही इस पर रूल करने लगा। हालांकि दोस्तों उसी दौरान फिर अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया और जापान को हार माननी पड़ी, इसीलिए फिर जापान की सेना सिंगापुर को छोड़कर वापस जापान चली गई, और फिर दोबारा से सिंगापुर पर अंग्रेजों ने ही कब्जा कर लिया। हालांकि दोस्तों अब जो ज्यादातर देश हैं वो आजाद हो रहे थे, 1950 के आसपास का दौर आ चुका था, और अंग्रेज भी जानते थे कि भैया अब उस तरह से सिंगापुर पर अपनी पकड़ को रखना मुमकिन नहीं है। और दोस्तों सिंगापुर का जो बिजनेस था वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, वहां से जो कंपनियां थी वो भी अब चली जा चुकी थी, इसलिए अंग्रेजों को लगा कि भैया अब यहां से कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए भैया अंग्रेज भी सिंगापुर को छोड़कर चले गए। और फाइनली फिर यहाँ पर चुनाव हुए और सिंगापुर को अपना प्रधानमंत्री मिला, जिनका नाम था ली क्वान यू। अब दोस्तों प्रधानमंत्री तो बन चुके थे लेकिन इनके देश की हालत काफ़ी खस्ता थी, ना कोई रिसोर्सेज थे, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, इसलिए देश को चलाना बहुत मुश्किल था। अब इसलिए ली क्वान लू ने मलेशिया से कहा कि भैया सिंगापुर को यानी कि हमें अपने आप में मिला लो और हम आपके साथ खुश रहेंगे। मलेशिया ने भी सिंगापुर को अपने में मिला लिया, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ली क्वान लू यानी कि जो भैया सिंगापुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने मलेशिया में भी चुनाव लड़ा। और दोस्तों जब मलेशिया को लगा कि भैया यार ये तो मलेशिया पर ही चुनाव लड़कर मलेशिया को ही ना कब्जा ले, काफ़ी जब दंगे भड़कने लगे इनके बीच, तो इन्होंने 23 महीने के बाद सिंगापुर को वापस से अलग कर दिया, क्योंकि मलेशिया के पास तो अच्छे खासे रिसोर्सेज थे, सब कुछ थे, लेकिन वहीं सिंगापुर के पास कुछ भी नहीं था। और दोस्तों मलेशिया ने भी सोचा कि यार सिंगापुर को अपने साथ रखकर घाटे का ही सौदा है, अब इनके पास ना तो रिसोर्सेज थे, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, और आबादी भी एक तरह की नहीं थी, कुछ चाइनीज लोग थे, कुछ भारतीय लोग भी थे और कुछ मलेशिया के लोग थे, इस तरह से अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते थे, तो उनमें आए दिन झगड़े होते रहते थे, आए दिन दंगे फसाद होते रहते थे, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। अब इसका सोल्यूशन इन्होंने इस तरह से निकाला कि भैया पहले सरकार ने जो लोग झुग्गियों में रहा करते थे उनके लिए काफ़ी सारे फ्लैट बनाए और उनको एक साथ रहने के लिए कहा। अब दोस्तों इनके लिए यही भी एक प्लस पॉइंट था कि भैया इतने सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपस में जो दंगा करते थे उनको एक साथ लाकर रहने के लिए रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इस तरह से जो लोग झुग्गियों में रहते थे जिनके पास पैसे नहीं थे, फ्लैट खरीद कर दिए ताकि भैया वो आपस में एक साथ रह सकें और उनमें आपसी जो प्यार है वो बढ़ सके। इस तरह से इनके देश में पहले तो शांति आई, अब शांति के बाद दूसरा था कि भैया देश को आगे बढ़ाना है, देश में रोजगार पैदा करना है, इसीलिए दोस्तों इन्होंने जितनी भी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां थी शुरुआत के 2-3 साल तक बिना कोई टैक्स लिए दुनिया भर की कंपनियों को काम करने का मौका दिया। इससे भैया फर्क ये पड़ा कि जितनी भी विदेशी कंपनियां थी वो सिंगापुर में आकर काम करने लगी। इस तरह से फिर सिंगापुर को तो फायदा हुआ ही, उनके वहां पर रहने वाले लोगों को रोजगार मिला और जो विदेशी कंपनियां थी उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और फिर ली क्वान ने भैया देश में साफ सफाई के लिए भी काफी ज्यादा अभियान चलाए, इस तरह से इन्होंने सिंगापुर को साफ सुथरा भी बनाया। साथ ही साथ इनको पता था कि भैया अगर देश में भ्रष्टाचार रहेगा तो
तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए इन्होंने ऐसा कानून बनाया है कि भैया अगर कोई एक डॉलर भी रिश्वत लेगा तो उसको कठोर सजा दी जाएगी। अब 1965 में मलेशिया से अलग हुआ सिंगापुर तेजी से तरक्की कर रहा था और इनके प्रधानमंत्री ने भी डिक्टेटर बनकर इस देश को आगे बढ़ाया, क्योंकि दोस्तों अगर ये लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ते तो शायद इनका देश कभी उतना आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, वो आपस में झगड़ कर ही मर जाते। इसीलिए इन्होंने ऐसे ऐसे कड़े कानून बनाए जिसको लोगों को फॉलो करना ही करना था। तो दोस्तों इस तरह से कभी एक वीरान आइलैंड जहां पर कोई रहना नहीं चाहता था या किसी को पता ही नहीं था, आज वो दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।